एचडीएफसी लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल एचडीएफसी ग्रुप पे भी अगर राय दे दीजिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से कमजोरी दिख रही है और शायद जब से मैनेजमेंट के अंदर में कुछ चेंजेस हुए हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं एक स्ट्रगलिंग सा दिखता है एचडीएफसी का पूरा बास्केट, आपको कैसा लगता है और ओवरऑल व्यू क्या है लंबे समय की? देखिए पहली बात तो मुझे लग रहा है कि देखिए एचडीएफसी में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि वो कंट्री की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, एसेट क्वालिटी भी बहुत मजबूत है और जिस प्रकार की रियल एस्टेट की साइकिल चल रही है इसका फायदा जरूर एचडीएफसी जैसी कंपनी को मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस और इंतजार रखिए क्योंकि पिछले कई महीनों से ऐसा देखने को में आ रहा है कि काफी बिकवाली दिख रही है, शेयर प्राइसेस पूरे एचडीएफसी ग्रुप के काफी जल्दी चल नहीं रहे, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, एचडीएफसी लाइफ हो गया। हमारा मानना है कि ये एक ऐसा ग्रुप है जो इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट इन्वेस्टर को वेल्थ जनरेशन कर चुका है। आने वाले 2-3 साल का अगर किसी को नजरिया है तो एचडीएफसी बैंक बहुत ही अच्छे विकल्प है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ी बहुत अंडर परफॉर्मेंस हो, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि कंपनीज अच्छी तरह से मैनेजमेंट चला नहीं रही है। कंपनी का अगर आप एचडीएफसी लाइफ की भी बात करें तो मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से ऊपरी लेवल से बिकवाली हो गई है, अगले 1.5-2 साल इंश्योरेंस सेक्टर बहुत अच्छा चलेगा और यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो एलेक्स मेरा ऐसा ही मानना है कि अगर किसी को पोर्टफोलियो बनाना है और इसको अच्छी तरह से शेप देना है तो ये लेवल्स काफी अट्रैक्टिव है, स्पेशली एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी। ठीक है, तो ओवरऑल लेकिन आपका कॉन्फिडेंस एचडीएफसी पे इंटैक्ट है, आप ये कह रहे हैं कि ये जो गिरावट है ये मौका है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसमें डिस्काउंट में मिल रहा है, ऐड करें और कोई दिक्कत की बात नहीं, लॉन्ग टर्म में कोई समस्या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ये आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। थोड़ा सा सब्र और पेशेंस रखिए क्योंकि हमने ऑलवेज देखा है कि एचडीएफसी लाइफ हो या एचडीएफसी हो, एचडीएफसी बैंक हो, बहुत जल्दी शेयर प्राइसेस बढ़ते थे। अभी अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि शेयर प्राइसेस अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो सबको लग रहा है कि ये सारे जो एचडीएफसी की कंपनी है वो खराब प्रदर्शन कर रही है, ऐसा नहीं है। शेयर प्राइसेस का नीचे गिरना शेयर कंपनी के परफॉर्मेंस से कोई लेना देना है नहीं, कंपनीज बहुत बढ़िया है, ओनली थिंग थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपके। जब जी ठीक है, पेशेंस रखना होगा और पेशेंस के साथ में बेहतर हो जाएंगे चीजें।